इस वीडियो में गाइज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही मस्त सा पीसी बिल्ड ये हमने बनाया है 1,90,000 रुपए में एंड सभी चीजों के बारे में यहां पर डिटेल में आपसे बात करूंगा। सो गाइज काफी ज्यादा मजा आएगा तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले गाइस आपको बता दूं कि ये पीसी बिल्ड ऑर्डर करा हमारे आदित्य भाई ने जो कि हैं छत्तीसगढ़ से, तो वहां पर हम लोग इस पीसी को शिप करेंगे। बाकी गाइस ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवर करते ही हैं। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे देखने को मिल जाएंगे। आपको बढ़िया तरीके से डिस्कशन वगैरह करना हो तो हमारी जो सेल्स टीम है आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और हमारा ऑफलाइन स्टोर भी है, वहां पर भी आके आप लोग जो अपने पीसी बिल्ड करा सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको लास्ट में वीडियो को बताऊंगा, ठीक है। अब फटाफट से गाइस बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं यहाँ पर हमारे इस पीसी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर हमारे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर गाइस हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। अच्छा, पर्पज सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस पीसी का कि क्या है। ये पीसी गाइस मेनली बनाया गया यहाँ पर गेमिंग के हिसाब से। अब गेमिंग में क्या क्या चीजों का हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखा है उसके बारे में वीडियो में आगे चलते चलते हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले गाइस बात करते हैं यहाँ पर हमारे प्रोसेसर के बारे में। AMD के Ryzen 7 7800X 3D CPU का गाइस हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। अब ये CPU भाई गेमिंग के हिसाब से एकदम भाई तगड़ा किलर CPU है क्योंकि 3D V-Cache टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। अच्छी खासी आपको कैश मेमोरी यहाँ पर इसके साथ में मिलती है और आपको जो FPS हैं, जो आपके फ्रेम रेट्स हैं, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब आपको ज़्यादा मिलते हैं जो 3D V-Cache टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से। तो मतलब अगर आप गेमिंग करते हैं तो जो हमारे 3D सीरीज़ के जो CPUs यहाँ पर रहते हैं AMD के, आप डेफिनेटली इनको कंसिडर कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर मिलेगी। और एक्चुअल में बताऊँ तो जो 7800X 3D CPU है ये मोस्टली यहाँ पर जो है प्रेफर करते हैं गेमर्स ही, क्योंकि हमें यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छी मिलती है CPU के साथ में। बाकी 8 कोर 16 थ्रेड तो मिल ही रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कॉन्टेंट क्रिएशन, आप एडिटिंग कुछ करना चाहते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस आपको अच्छी यहाँ पर मिल जाती है, बट मेनली दिस इज फॉर गेमिंग पर्पज, ठीक है। बात करते हैं गाइज यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड इसके साथ में पेयर करा गया है गाइज MSI की तरफ से उनका B650 टॉमहॉक वाईफाई मदरबोर्ड। टॉमहॉक लाइनअप काफ़ी बड़ी है, आप सबको ऑलरेडी पता ही है। और यहाँ पर जो है हमें अच्छा खासा VRM सेक्शन मिल जाता है जो कि हमारी 7800X CPU जो है इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पर हैंडल कर लेता है। प्लस वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों की फंक्शनलिटी हमें यहाँ पर इस मदरबोर्ड के साथ में मिल जाती है। अब गाइस 7800X 3D के साथ में कोई भी स्टॉक कूलर नहीं मिलता है, एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर या फिर लिक्विड कूलर यूज़ करना मैंडेटरी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कराया गाइस हमारा MSI की तरफ से उनका कोर लिक्विड M360 लिक्विड कूलर जो कि काफ़ी अच्छा है। हमारा 7800X 3D CPU को बढ़िया तरीके से यहाँ पर ही हैंडल कर लेगा। प्लस लुक्स वाइज भी गाइस काफ़ी अच्छा लगता है। MSI बढ़िया ब्रांड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर आते हैं। बीच में देखोगे तो एक ARGB स्ट्रिप मिलती है ऐसे, जिसका कि आप कलर्स को डेफिनेटली यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बीच में भाई लुक काफ़ी रगेड सा यहाँ पर मिलता है, MSI का लोगो मिल जाता है। टॉप पर हम लोगों ने यहाँ पर रेडिएटर को माउंट करा है, ARGB फैंस मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बात करते हैं गाइस यहाँ पर हमारी रैम के बारे में। तो रैम हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करी है GSkill की तरफ से इनकी ट्राइडेंट Z5 RGB 16x2 32GB की किट है जो कि 6000 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है। परफेक्ट रहेगी हमारे इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग तीनों काम बढ़िया तरीके से यहाँ पर ही करा देगी। अब बढ़ते गाइस यहाँ पर हमारे उस कंपोनेंट की तरफ जो कि एक्चुअल में भाई हमें गेमिंग करा के देगा, जो कि होता है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड गाइस हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है Zotac की तरफ से उनका RTX 4070 Ti सुपर ग्राफिक्स कार्ड। 4070 Ti सुपर ग्राफिक्स कार्ड जो है हमें ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि 4K पर काफ़ी अच्छी गेमिंग यहां पर करा देगा। DLSS का यूज़ करोगे, बढ़िया आपके जो है फ्रेम जनरेशन होंगे और आपको अच्छे फ्रेम रेट्स यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4K पे गेमिंग करनी हो काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, बहुत ज़्यादा आपको 4080 वगैरह तक जाने की जरूरत नहीं है, 4090 वगैरह लेने की जरूरत नहीं है भाई गेमिंग वगैरह करने के लिए। मोर देन सफिशियंट यहाँ पर रहता है, 4K में अच्छी गेमिंग यहाँ पर हमें करा देता है। और इसके अपार्ट जैसे कि आप कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें कि आपका AI का यूज़ होना है या फिर कुछ भी ऐसा वर्कलोड है आप जिसमें कि GPU एक्सेलरेटेड परफॉर्मेंस आपको अच्छी चाहिए, तो वहाँ पर भी परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच अच्छी यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी Zotac बढ़िया ब्रांड, हमें यहाँ पर जो अच्छी खासी जो है इसके साथ में RGB मिल जाती है गाइस, देख सकते हो Zotac गेमिंग का यहाँ पर हमें लोगो मिल जाता है और RGB भाई भरपूर है, जिसको कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू डेफिनेटली यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। फुल साइज बैक प्लेट, अच्छी खासी मोटी थिक हीट सिंक हमें मिलती है, बढ़िया लुकिंग ग्राफिक्स कार्ड है, परफेक्ट रहेगा हमारे इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसके लिए
WD की तरफ से उनकी ब्लैक एसेंस 770 1TB की जेन 4 SSD, इसके अंदर विंडोज डालने के बाद भी गाइस अच्छी खासी स्टोरेज हमें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में, तो इस पीसी बिल्ड के साथ में हम लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़िया शानदार पावर सप्लाई यूज करी इस बजट में। मुझे वन ऑफ दी बेस्ट पावर सप्लाई मेरी पर्सनल फेवरेट MSI की तरफ से MAG A850 GL पावर सप्लाई, जो कि ATX 3.0 पावर सप्लाई है, PCIe Gen 5 पावर सप्लाई है हमारी यहाँ पर, 80 प्लस गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में यहाँ पर आती है। और इनकी जो GL सीरीज में पावर सप्लाई, जैसे कि जो 750 वॉट है, 850 वॉट है, 1000 वॉट है या 1250 वॉट है, प्राइसिंग के हिसाब से जो एक्चुअली में यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफर करते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। डेफिनेटली आप इनको जो यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, और क्वालिटी भी जो काफ़ी बढ़िया रहती है। एट लास्ट गाइस बात करते हैं यहाँ पर हमारी कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करी लियानली की तरफ से उनकी लैनकूल 216 ब्लैक। थोड़ा अब लोग जो है वो ड्यूअल चैम्बर डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बट इनका भी भाई एक अलग टोरा है, बढ़िया लगती है भाई, तगड़ी लगती है कैबिनेट, मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद है। और इसमें ना आपको क्या है, सामने की तरफ बड़े बड़े भाई दो फैंस मिल जाते हैं, जो कि आई गेस 140 से भी बड़े हैं, शायद आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग दीज आर 160 mm या फिर 140 mm के आसपास के फैंस हैं ये, ठीक है, तो 120 mm नहीं है, बड़े फैंस रहते हैं, तो एयर फ्लो आपको अच्छा मिलता है, लुक एक थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, सामने से देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। आपको बड़ी मेश मिल जाती है यहाँ पर, बॉटम पर भी आपको मेश मिलती है, चाहो तो बॉटम पर दो फैंस भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, और एडिशनल टॉप पर 360 mm के रेडिएटर को हम लोगों ने माउंट कर रखा है। और रियर में आपको जो है एक एग्जॉस्ट के लिए फैन मिल जाता है, जो कि नॉन RGB है, बट रिप्लेस करके अगर चेंज करके लगाना चाहते हो RGB तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रहता है। बस तो गाइस यही था पूरा हमारा 190,000 रुपए का पीसी बिल्ड, आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आपको भी ऐसी कमाल का पीसी बिल्ड करवाना हो तो हमारी सेल्स टीम की डिटेल्स, हमारा जो ऑफलाइन स्टोर है उसकी डिटेल्स, एड्रेस, गूगल लोकेशन लिंक, सारी डिटेल्स सब कुछ मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे ऐसे करने वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में, तब तक के लिए यार Thanks for watching.